अब हमला हुआ यूक्रेन पर, यूक्रेन अभी तक ऑफिशियली तो नेटो का हिस्सा नहीं था, तो जाहिर बात है नेटो यहाँ पर अटैक कर नहीं सकता। अब इसी वजह से अब बार बार यूक्रेन जो है वो वेस्ट की तरफ देखते हैं, मेरी मदद करो, मुझे फौजी चाहिए, मुझे असलाह चाहिए, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वेस्ट जो है वो इस चीज से जरा कनाकशी कर रहा है, वो एक बड़े जंग में नहीं जाना चाहता। आप अगर पास में देखें तो तब तक जंगे अजीम तब तक स्टार्ट नहीं हुई जब तक दो बड़े हाथी जो है वो सामने नहीं आए। जंगे अजीम अवध देख लें, तब जर्मनी और यूके दो बड़े हाथी थे, ये दोनों जब तक इनकी फौजें सामने नहीं आई जंगे अजीम शुरू नहीं हुई थी ऑफिशियली। जंगे अजीम दो में भी यही हुआ, ठीक है। तो अब नेटो जो है खास तौर पे यूरोप, जिसने दो बड़ी जंगे ऐसे हॉलनाक जंगे देखी, वो तो चाहते ही है कि बड़ी जंग शुरू हो, वो अवॉइड कर रहे हैं इस चीज से, वो इमदाद कर रहे हैं, वो पैरामेडिक्स भेज रहे हैं, उसके अलावा असला भी भेजा जा रहा है काफी ज्यादा, लेकिन वो बराह रास्त जंग में शरीक नहीं हो रहे। अब मसला ये है कि रशिया जो है, जब से रशिया जो है अलग हुआ था, सोवियत यूनियन टूटा था, तब से उसने वेस्ट के साथ बड़े अपने अच्छे ताल्लुकात कायम किए। अब वेस्ट की तकरीबन 30% जो गैस की जरूरियात है वो रशिया पूरी करता है, पूरे के पूरे यूरोप की तकरीबन, ठीक है। और जर्मनी का तो बहुत ही बड़ा हिस्सा है जी जो उनकी डील है उनके साथ। अच्छा, उसी तरह इनकी ऑयल की जरूरियात पूरी की जाती है। अब इस वजह से यूरोप थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन यूएस क्या फर्क पड़ता है, यूएस समंदर पार बैठा हुआ है, उसे क्या टेंशन है, वो तो पाबंदियां लगाना चाहते थे। खैर, यूएस ने काम में पाबंदियां लगा दी हैं, पहले जर्मनी थोड़ा सा हिचकिचाता था, बाद में जर्मनी भी मान गया, लेकिन मुकम्मल पाबंदी नहीं लगा दी उन्होंने भी, उन्होंने भी ट्रेड जो उनको खुद को जरूरत है वो उन्होंने जारी ही रखी। वो नहीं चाहते कि जो है ना अगर आज वो अपनी गैस की सप्लाई बंद करवाए वहां से तो गैस की जो कीमतें वो 70 गुना पड़ जाए वहां पर, वो ऐसा हरगिज नहीं चाहते। अभी भी आप देख लें कि गैस जो है ऑयल की कीमतें जो है वो तकरीबन $82-83 से $130 पे टच कर चुकी है, सिर्फ और सिर्फ इस जंग के आगाज है अभी, समझ लें अभी कोई जो है ना बड़े लेवल पे जंग फैली नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन में ही है। अब पाबंदियां उन पर लगा दी, क्या कि स्विफ्ट बैंकिंग पर पाबंदी लग गई, उसके अलावा जो उनके रिजर्व जो है उन पे बड़े मसाइल हो गए। अब प्यूटन जो था उसे जंग शुरू करने से पहले अपने रिजर्व थे वो बचा के रखे हुए थे कि अगर मुझे जरूरत पड़ती है, मेरे मीशन पे जोर आता है, तो मैं वही रिजर्व जो है मार्केट में डाल के अपने मीशन को कंट्रोल कर लूंगा, मीशन को काबू में रखूंगा, कोलैप्स नहीं करने दूंगा। वो तकरीबन 600 से 650 अरब डॉलर्स के जर मुबादला के सहारे उसके थे, लेकिन उनमें से मोस्टली जो थे वो आउट ऑफ रशिया थे, तो वो फ्रीज कर दिए गए, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है ऑफकोर्स रशिया को। अच्छा, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम उनका बंद कर दिया गया, ये क्योंकि वो ट्रेड ही स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से होती है, ये भी बड़ा नुकसान है। उसके अलावा भी कुछ है ना पाबंदियां जेर गौर हैं। अब उसके अलावा अब जो है मजे की बात ये कि अब पाकिस्तान का ये सांस क्या है कि यूरोप ने हमें कहा कि कंडेम करो, तुम खान साहब ने कह दिया कि भाई हम तुम्हारा गुलाम है, और उनसे 2-3 सवाल और भी पूछा, ले क्या आपने जो है कश्मीर पर ये बात की थी, क्या आपने फलस्तीन पे ये बात की थी, और उन्होंने ये भी सवाल उठाया क्या इंडिया से भी आपने सेम डिमांड की है, हमारे हमसाय में बैठा हुआ था इंडिया में, क्या इंडिया से आपने सेम डिमांड की है कि वो भी रशिया को कंडेम करें, आप हमें क्यों ये एटीट्यूड दिखाते हैं। और ये भी बात की कि हमने 20 साल आपकी जंग लड़ी थी अफगानिस्तान में, बाद में आपने शुक्रिया तक अदा नहीं किया, बल्कि उल्टा ये कहते रहे कि हमारे जंग की जिम्मेदारी जो है ना पाकिस्तानी। तो ये दोगले मयार जो थे खान साहब ने, कहा ये क्यों। अब कुछ लोग उठ के कहने शुरू हो गए जी नहीं, वेस्ट के साथ हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, वेस्ट के साथ हमारी बड़ी ट्रेड है, अरबों डॉलर्स की ट्रेड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या लॉजिक है वैसे, क्या ट्रेड जो हम कर रहे हैं, हम टेक्सटाइल की ट्रेड बहुत ज्यादा यूरोप के साथ करते हैं, तो क्या यूरोप को टेक्सटाइल की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स है, अगर कोई ट्रेड का जो है जो रिलेशनशिप है वो इस पे बेस करता हो कि जो है ना हम इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे, या कभी भी कहेंगे अच्छा जी आप हमारी बात नहीं मान रहे, इसको जो है ना ट्रेड डील फोड़ें, तो मेरे ख्याल से वो कोई रिलेशनशिप दो तरफा नहीं होता, वो कंडीशनल होता है, ठीक है। तो अब कुछ लोग उठ गए जी जी वेस्ट के साथ बोले ताल्लुकात नहीं हमें रखने, या ये नहीं करना, ये वो नहीं करना, बात गलत ताल्लुकात या कुछ नहीं, ऐसा नहीं। वेस्ट ने हमें ओपनली कहा कि आप कंडेम करें, हमने ओपनली जवाब दे दिया हमने नहीं कंडेम करना, हम न्यूट्रल, बात खत्म, उनका आपस का मामला वो हल करें, हम क्यों रशिया से अपने ताल्लुक खराब करें। अच्छा जी, अब पाकिस्तान में कुछ दानिशवर उठ गए, कुछ साहबी भी उठ गए और बाकी लोग भी उठ गए कि नहीं जी हमें वेस्ट के साथ ताल्लुक खराब करने चाहिए, ये बड़ा मसला हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। भाई हमारे अलावा तकरीबन 34वां ममालिक ने यूएन में साथ नहीं दिया रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन का, उसमें चाइना भी है, उसमें यूएई भी है, उसमें इंडिया भी है, उसमें टर्की भी है, और भी कई ममालिक हैं, तो बाकियों ने तो नहीं किया, बाकियों को तो कोई मसला नहीं हुआ, तो हमें क्या मसला है, ठीक है। अब आगे अगर ये जंग चलती है तो इसका पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट होगा, ऑफ कोर्स ऑयल के प्राइसेस बढ़ती हैं, हमें तो मसला होगा ना। अब दुनिया जो है बहुत ज्यादा इंटरकनेक्ट हो चुकी है, ठीक है, तो ये एक मसला चलता है तो पूरी दुनिया अफेक्ट हो जाती है, जिस तरह अभी हो रही है ना, तेल के प्राइसेस देख लें $130 पर बैरल पहुंच गए, तो ये मसले मिसाइल जो है चलेंगे।
अभी अगर जंग का अगर रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ही हाल है, वो कहते हैं कि यूक्रेन जो है वो शामिल ना हो अपना जो है ना ये नेटो में, और वेस्ट का बकायदा जो है वो आर्मी के लिहाज से जो है वो अलाय ना हो, ठीक है। लेकिन अब यूक्रेन जो है वो तब तक तो मस्जिद था, अब शायद जो है ना उनके सदर को समझ आ चुकी हो, खैर लेकिन यूक्रेन जो है अभी तक भी लड़ रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो लोग लड़ रहे हैं और रशिया की उम्मीदों से ज्यादा उनको रेजिस्टेंस मिल रही है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है जैसा हमें मीडिया के थ्रू दिखाया जा रहा है कि अमेरिका और वेस्ट का हथियार ही यही था कि हमेशा यही किया जाता था कि इतना बुरा जो है अगले का जो है ना वो इम्पैक्ट आप दिखा दें, एक उसकी बैड फिगर दिखा दें आप मीडिया के ऊपर कि है ही वो तो बुरा और जिस पर अटकी है वो है ही अच्छा। इस तरह करने की कोशिश तो की जा रही है कि प्यूटन देखें जी जुल्म कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, लेकिन अभी तक अगर कैजुअलिटीज देखी जाए तो सिविलियन कैजुअलिटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोलैटरल डैमेज के लिहाज से तो हुई है, लेकिन जो रशियन फोर्सेज है रशियन आर्म फोर्सेज है वो डायरेक्ट जो है वो उन पर अटैक नहीं कर रही, उनके सिविलियन फोर्सेज पर अटैक नहीं कर रही। अब आगे देखना पड़ेगा और वक्त के साथ इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।